एक डर सताता है हमारे को कि अगर कान के चीरा लग जाएगा तो मेरा जो है वो निशान आ जाएगा। एंड ये एंड हमारे जो आर्मी एस्पिरेंट है, स्पेशली जिसको आर्मी एयरफोर्स में जाना है, अगर उनके जो है कान के पीछे चीरा लग जाता है दोस्तों, उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है, उनका कैरियर ही तबाह हो जाता है। हाय दोस्तों, मैं सेल्फ डॉक्टर सुनील तवा, डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल एंड नेक्स राइनोप्लास्टी सेंटर। दोस्तों हमारे साथ हैं अमित जी। अमित जी का देखो दोस्तों, दोनों ईयर में प्रॉब्लम थी एंड इनका दोनों जो ईयर है उस प्रॉब्लम का हमने एंडोस्कोपिक जो है वो टिम्पेनोप्लास्टी के माध्यम से ट्रीटमेंट किया है एंड अब दोनों इनके कान ठीक है। बट सबसे पहले दोस्तों मैं अमित जी से ही देखो ये अपनी जर्नी बताएंगे कि इनको क्या प्रॉब्लम थी एंड अब वो कैसा फील कर रहे हैं। अमित जी बताओगे अपनी प्रॉब्लम? मेरे ये बर्थ स्केच 6 मंथ से ही थे, दोनों कानों में अच्छा आवाज आती थी। हाँ तो फिर डॉक्टरों को दिखाया था, मम्मी पापा ने जब बताया था कि मेरे पर्दों में छेद है। अच्छा, फिर पापा को आपके बारे में पता लगा, फिर एक कान का ऑपरेशन करवाया था यहाँ पे, फिर वो सक्सेस हो गया, फिर दूसरे कान का भी यहीं पे करा दिया। अभी आपको बेटा जो प्रॉब्लम थी पहले, अब सारा ठीक है? अब ठीक है सब कुछ। एंड आपका ऑपरेशन हुआ तो उसमें जो है वो जो है चीरा लगता है कान का, इससे कोई आपको डर नहीं है? नहीं, क्योंकि आपका तो दूरबीन से हुआ इसलिए। यस, सो दोस्तों देखो एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारे लोगों को कान के पर्दे में प्रॉब्लम होती है, बट एक एक डर सताता है हमारे को कि अगर कान के चीरा लग जाएगा तो मेरा जो है वो निशान आ जाएगा। एंड ये एंड हमारे जो आर्मी एस्पिरेंट है, स्पेशली जिसको आर्मी एयरफोर्स में जाना है, अगर उनके जो है कान के पीछे चीरा लग जाता है दोस्तों, उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है, उनका कैरियर ही तबाह हो जाता है। तो आप ये देखो कि जो हमारे अमित जी हैं, आप इनके दोनों कान जो है वो हमने ऑपरेट किए हैं, कान के पीछे कहीं कोई चीरा नहीं है एंड इनका जो है एंडोस्कोपिक जो टेम्पेनोप्लास्टी दूरबीन से हुआ है। एंड आज देखो ये सो हैप्पी, चाहिए चाहे हम मेडिकल में जाएँ चाहे आर्मी में जाएँ। सो हमें क्या होता है कि जितने भी जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको भी मेरी तरफ से है कि हो सकता है कि बच्चे का कैरियर कभी आर्मी में जाना पड़े, कुछ अगर कोशिश ये करो कि जो आप सर्जरी करा रहे हो कि मेरे को मेरे बच्चे की सर्जरी करानी है तो मेरे को दूरबीन से करानी है, मेरे कान के पीछे चीरा नहीं लगे, वो एक अलग बात है कि कोई एक्सटेंसिव डिजीज है तो उस मेथड से नहीं कर सकते, पर डॉक्टर को प्रायोरिटी रखनी चाहिए क्योंकि बच्चे का पता नहीं कब मेडिकल हो। एंड दूरबीन से ये इलाज संभव है, जैसे दोनों इनका जो है कान का पर्दा हमने ठीक किया एंड नाउ ही इज़ वेरी हैप्पी। अब हम दोनों के हैं ना इसमें, वहाँ पे देखो आप लुक दैट दिस इज, अगर ये जो है अब आप इनका देखो, आप जो है वो एंडोस्कोपिक टिम्पेनोप्लास्टी, कहीं कान पे कोई चीरा नहीं है, जो है निशान नहीं है दोस्तों। ये एक एडवांटेज होता है जिससे क्या है पेशेंट फंक्शनल एंड कॉस्मेटिक, इनका दोनों जो ईयर है अब आप देखिए कान के पीछे कहीं कोई चीरा नहीं है, चाहे कहीं कभी भी इनका कोई मेडिकल हो चाहे कुछ भी नहीं हो, एंड ये बाहर से कान जो है बिल्कुल ठीक है, कान की कॉन्ट्यूर ठीक है। सो दोस्तों ये है एडवांस टेक्निक का, एडवांस जो है टेक्निक से हमारा अगर सर्जरी होती है तो ये प्रॉब्लम हमारे को बेसिकली नहीं आती है। थैंक यू।